हाय एवरीवन, यू वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन। दिस इज अनुपमा सिंह और आज की जो कहानी है वो है द वेरी क्यूट लेजेंडरी द अमेजिंग द खुल्लम खुल्ला इंसान ऋषि कपूर साहब की। और ये जो मैं स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ ये खुद उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में लिखी है। ऋषि कपूर साहब का जब लॉन्च हुआ था तो जब उनकी फिल्म आई थी बॉबी, इट बिकेम लाइक अ कल्ट फिल्म। मतलब ऋषि कपूर साहब ना हर घर का हिस्सा थे, हर टीनेजर का हिस्सा थे। मतलब उस टाइम पे ना रोमांटिक फिल्में नहीं बनती थी और टीनेज स्टोरीज तो बिल्कुल ही नहीं बनती थी। एंड इट बिकेम लाइक अ रेवोल्यूशन, यू नो, ऋषि कपूर ही जस्ट चेंज्ड द गेम। तब उनके लिए स्पेशली फिल्में बनने लगी, रोमांटिक फिल्में बनने लगी, सॉफ्ट रोमांटिक फिल्में बनने लगी जहाँ पे हीरो की जिंदगी का मेन काम है हीरोइन को चेस करना। यू नो, इट्स नॉट लाइक गुंडे को पीटना और घर संभालना, उसका बेसिक काम था प्यार करना। और ऋषि कपूर बिकेम दिस थिंग। और उसके बाद एक पॉइंट आया जब ऋषि कपूर साहब ने डिसाइड किया कि मैं शादी करूँगा। You know, he was in love नीतू जी के साथ and they decided to marry. नीतू जी was 21 at that point of time और उन्होंने शादी कर ली। ऋषि कपूर साहब के जहन में ना एक डर था। वो होते ना उस टाइम पे, तुम रोमांटिक हीरो अगर तुमने शादी कर ली तो तुम्हारा करियर फ्लॉप हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनका डर सच साबित होने लगा, उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी और उनके रिश्तों में दरारें बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे। और कहीं ना कहीं उनको लगता था कि मे बी अगर वो नीतू जी से शादी नहीं करते तो शायद उनका जो चार्म है वो कम नहीं होता। उसके बाद उनकी फिल्म बन रही थी कर्ज, द कल्ट फिल्म, यू नो, जो एक हसीना थी वो फिल्म। एंड ऋषि कपूर जस्ट गेव इट ऑल। सुभाष घई साहब की फिल्म थी एंड ऋषि कपूर वाज लाइक आई एम गोइंग टू बी बैक विद अ बैंग एंड यू नो आई एम गोइंग टू मेक इट हैपन और मुझे मेरी कामयाबी वापस चाहिए। लेकिन वो फिल्म पहले ही दिन से 20% फिल्म ने ओपनिंग ली और फिल्म बुरी तरह से इट फॉल फ्लैट इन थिएटर्स। और वहाँ पे कुर्बानी लगी थी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही थी। कुर्बानी फिल्म आपको याद है जिसमें वो गाना था आप जैसा कोई मेरी जी? तो ये फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। इतना ज़्यादा सदमा लगा ऋषि कपूर साहब को कि ही वेंट इनटू डिप्रेशन। तो वो ऑलरेडी डिप्रेशन के सिम्टम्स थे उनको, जैसे कि वो बोलते थे कि मैं जब भीड़ में जाता था तो मैं खुद को छिपा लेता था, मैं रोशनी से डरने लगा था, मैं कैमरा से डरने लगा था, मैं लोगों से डरता था और मैं अपनी गाड़ी में यू नो ग्लासेस को कवर करके अंधेरे में बैठता था बिकॉज आई हैड एंजाइटी इशूज़। जो उनका फियर था उनको टेक ओवर कर रहा था। और जब कर्ज फिल्म नहीं चली तो ही जस्ट लॉस्ट इट और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। मतलब उनका डिप्रेशन इतना हिट किया दैट वो हॉस्पिटल में चले गए। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम डिप्रेशन की स्टोरीज सुने तो बहुत लेट की स्टोरीज हैं, हार्डली वी विल हेयर स्टोरीज फ्रॉम यू नो 70s और 60s की कोई डिप्रेशन में था इंडस्ट्री में। बट ऋषि कपूर साहब ने अपनी बुक में खुद लिखा हाउ ही वेंट इन टू डिप्रेशन और वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए। और फिर सुभाष घई साहब ने और सब ने उनको बताया कि यू नो इट्स ओके, थिंग्स विल बी फाइन एंड ऋषि कपूर बिकॉज ऑफ नीतू कपूर जी ही केम बैक एंड ही स्टार्टेड डूइंग फिल्म्स। और एक टाइम आया कि 90s में वो सेकंड लीड में ही वॉज वेरी पॉपुलर, जैसे शाहरुख खान का दीवाना हो या यू नो जैसे ऐसी फिल्में जो आती थी जिसमें सेकेंड हीरो बहुत इंपॉर्टेंट होता था, तो वो जो सेकेंड हीरो है उसका रोल वो बहुत अच्छा करने लगे थे। ही वॉज वेरी मच इन डिमांड। बट एक दिन नीतू जी ने उनसे कहा सुनो अब तुम्हारी टमी आने लगी है। वो हमेशा कहते ऋषि कपूर साहब कि मैं इकलौता हीरो था जो तोन लेके यू नो टमी लेके बेली लेके गाने गाता था और लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। आई मीन हु कैन फॉरगेट दैट सॉन्ग पायली। सो एंड देन आई थिंक ही इज द ओनली एक्टर हु टुक डेलिब्रेट रिटायरमेंट कि अब भैया मुझे हीरो के रोल्स नहीं करने। मतलब ऐसा नहीं था कि ही रैन आउट ऑफ वर्क, बाई चॉइस ही टुक दैट रिटायरमेंट। और वो कर्ज फिल्म जिसका फ्लॉप होने ने उनके डिप्रेशन को पीक पे हिट किया, विद टाइम इट हैज़ बिकम अ कल्ट फिल्म। यू नो कर्ज हमारे जो सिनेमा की कल्ट सिनेमा जैसे कहते हैं या फिल्में हैं जिसे कल्ट फिल्म मानते हैं उनमें से एक फिल्म वो भी है। और ऋषि कपूर साहब की इस कहानी से हम एक चीज़ सीखते हैं कि और इसीलिए ऋषि कपूर साहब ने हमेशा रणबीर कपूर को एक चीज़ कही, जो रणबीर कपूर हमेशा कहते हैं कि डोंट टेक योर सक्सेस टू योर हेड, योर फेलियर टू योर हार्ट।
और ये एक मैसेज उनकी इस जर्नी से हमें भी मिलता है कि कुछ बहुत अच्छा हो तो उसे दिमाग पे इतना मत चढ़ा लो कि आपको लगे अच्छा मतलब इससे तो नीचे नहीं आना, और कुछ बुरा हो तो उसे दिल से मत लगा लो कि इससे अब दूर नहीं जाना, एंड दैट्स व्हेन लाइफ विल बिकम ब्यूटीफुल. कीप वॉचिंग बॉलीवुड हेल्पलेस.